आईपीएल का 32वां मैच दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली टीम ने पहला टॉस जीतकर गुजरात को खेलने के लिए बुलाया। गुजरात की टीम के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं है। गुजरात टीम इस मैच में अपने आईपीएल करियर का सबसे कम स्कोर बनाया। गुजरात मात्र 17 ओवर में 89 रन पे ऑल आउट हो गई। गुजरात की ओर से राशिद खान ने सबसे ज्यादा रन 24 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। राशिद खान के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने इस मैच में 3 विकेट झटके। इसके साथ ही ईशांत शर्मा ने भी 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट लिए। आगे के मैच के बारे में बात करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 90 रन के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए दिल्ली टीम मैदान पे उतरी, लेकिन दिल्ली की शुरुआत भी खराब रही। दिल्ली को 90 रन बनाने में अपने 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली टीम ने 90 रन का टारगेट मात्र 9 ओवर में हासिल कर लिया और दिल्ली ने यह मैच 6 विकेट से परिणाम कर लिया। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने इस मैच में शानदार कीपिंग की, जिसके लिए ऋषभ पंत को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को शेयर जरूर कर दें।